हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग अनबॉक्सिंग। कैसे हो आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करती हूँ मैं अपने व्लॉग की अनबॉक्सिंग इस वीडियो से, इस टाइम से, मॉर्निंग के टाइम से। और मैं अभी जा रही हूँ बच्चों के लिए जल्दी जल्दी लंच प्रिपेयर करने, उन्हें स्कूल जाना है, आज उनका एग्ज़ाम है जैसे मैंने आप सभी से बता दिया था। तो मैं जल्दी जल्दी बच्चों के लिए लंच पैक करने जा रही हूँ और आप मेरी वीडियो पर बने रहिए एंड तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिए। बोलो हे गाइस। चायपत्ती खत्म हो गई, दूसरे उल्टी पर रखा है ना, रखा दूसरे पता है। पूरी रेडी हो जाऊंगा। जिया कहाँ बेटा? जिया लो ए लड़की, बाबू चलो बेटा दूध पियो। पॉम पॉम के चक्कर में ज्यादा मत रो बेटा, उसकी मम्मा है काट लेगी, टाइट से पकड़ो, पियो पहले कम करो दूध को। अच्छा ठीक है पहले पियो, कोई बात नहीं पियो पहले कम करो और पियो बड़ा सा शिप लो। पॉम पॉम फिल्टर कट्टा कर जब भगाओगे नहीं ना? नहीं भगाऊंगी मैं पॉम पॉम को, चलो पकड़ लो टाइट से, मैं छोड़ रही हूँ। जिया दूध पियो बेटा, किचन में ले लो, किचन में कोई सब ले लो, पियो दूध पियो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, निकलने का टाइम हो गया है, 7:30 हो चुका है, जल्दी करो। देखो 7:30 हो गया, हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? तो बच्चों मैंने स्कूल भेज दिया और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाने में जिया मुझसे कह के गई है मम्मा आलू का पराठा और टमाटर धनिया की चटनी और सेवई बनाना। रात में मैंने बच्चों से कहा था सेवई बनाने के लिए और मैं सेवई बनाई नहीं, मैंने सेवई जगह पे खीर बना दिया। जिया मुझसे कह के गई मम्मा अभी टाइम आप आलू का पराठा बना देना, टमाटर धनिया की चटनी बना देना, सेवई बना देना, मैं स्कूल से आऊँगी दोपहर में तो खाऊंगी। तो जब बच्चे ने कहा तो मैं चल रही हूँ बनाने। तो चलो फटाफट मैं आलू बॉइल करने के लिए इंडक्शन पर रख देती हूँ और टमाटर धनिया की चटनी पीस देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई ठीक नहीं, लाइट कभी भी कर सकते हैं, इसलिए चलो लगे आज चटनी भी पीस के रख दूंगी। मैं जा रही हूँ खाने की तैयारी करने के लिए और आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल और वीडियो पे बने रहो एंड तक मेरा वीडियो देखना, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक चैनल सब्सक्राइब। हेलो
और यहाँ पर मैं आलू रख रही हूँ बॉईल करने के लिए, और उसके बाद फिर मैं टमाटर और धनिया की चटनी भी जल्दी से पीस लूँगी। और उससे पहले मुझे एक काम करना है, जब मैं बच्चों को दूध दे रही थी तो प्लेटफॉर्म पे दूध गिर गया था, तो पहले से जल्दी उसे वाइप कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसे पोछूंगी नहीं तो चारों तरफ फैल जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, गंदा गंदा टाइप से दिखेगा, तो जल्दी से पहले उसे वाइप कर लेती हूँ। दस दस हो रहा है, चलो मम्मी जी को खाना खिला दूं। ये तो गए कोर्ट, अब मम्मी जी को खाना खिला दूं। मम्मी जी अरे मम्मी जी छत पे हैं क्या, जाऊं देखूं। बच्चों आज का दिन कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा है। पियू कैसा एग्जाम हुआ बेटा? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा। बाबू तुम्हारा बेटा क्या हुआ? वॉटर बैग में से गिर गया। वाटर बॉटल तो पानी पिए थे कि नहीं? बट एक ही कुछ पिया था, फिर उसके बाद नहीं पिया था। तो कैसे खो गया, मतलब आते टाइम? नहीं बट क्लासरूम में गिर गया। कहते क्योंकि इसका ये बड़ा और वो छोटा बॉटल था। तो क्लासरूम में जब गिरा तो तुम्हें पता नहीं चला? बेवकूफ कहीं के, बताओ खोजना चाहिए था ना। आते तो अपना सब सामान चेक कर लेते बैग में है कि नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा वाटर बॉटल आ जाएगा, परेशान मत हो। चलो ठीक है, चलो खाना पीना खाओ, स्कूल ड्रेस चेंज करो, आ जाओ बाबू। बाबू से पूछिए तो बाबू बताए नहीं, पहले मुझे यही बता दिया कि वाटर बॉटल खो गया। अच्छा। कैसा गया अब बता दूँ? अच्छा गया, चलो अच्छी बात। हाँ भाई पंपम को खाना दी हूँ मैं। चलो चलो पानी पी लो, कपड़े चेंज करो, खाओ पियो। क्या हो रहा है बेटा? मैं गलत समय कैमरा लेके आ गई क्या? चलो ठीक है बेटा। जिया हाँ मम्मा। चलो बेटा एक पजल पूछो। ओके इट्स पजल टाइम। तो ऐसी कौन सी फिश है जो पानी में नहीं तैरती है? तो जल्दी से बता दो कमेंट में आंसर। तो सुना आप सभी ने, तो इस पजल का जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट में आंसर बता दो, ठीक है? आंसर क्या है मैं इवनिंग टाइम वाली वीडियो में आपको बताऊंगी, और तब तक मेरे बाबू को देखो आप नामू नामू कैसे कैसे खा रहा है। नामू नामू।